हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि डीबगिंग क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग करते टाइम आपके पास कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं, ओके, और आप उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओके. सो फर्स्ट वी हैव डीबगिंग. डीबगिंग क्या है? डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स फ्रॉम अ प्रोग्राम. डीबगिंग एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप पाइथन के प्रोग्राम से बग्स को रिमूव कर सकते हैं. बग्स मीन्स एरर्स को रिमूव कर सकते हैं. एंड एरर कॉजिंग डिसरप्शन इन प्रोग्राम्स रनिंग और प्रोड्यूसिंग राइट आउटपुट इज अ प्रोग्राम बग. तो प्रोग्राम बग क्या है? एरर है जो प्रोग्राम को रन करने से, प्रोग्राम को चलने से रोकती है या उसके करेक्ट आउटपुट आने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है. डीबगिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ द एरर. डीबगिंग की हेल्प से आप जहाँ पे एरर आई है उस प्लेस को लोकेट करते हो, उस प्लेस को पहचानते हो. कॉज ऑफ द एरर, किस कारण से एरर आई है ये आपको पता चलता है. एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली, और उस डीबगिंग की हेल्प से ही आप कोड को करेक्ट करते हो, ओके. सबसे पहले आप क्या पहचानते हो कि किस प्लेस पे एरर आई है, किस कारण से एरर आई है, एंड देन यू करेक्ट दैट एरर, राइट. सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीबगिंग, ओके. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एरर्स आती हैं. देयर आर ब्रॉडली थ्री टाइप्स ऑफ एरर. फर्स्ट वी हैव सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, एंड रन टाइम एरर्स, राइट, ओके. So what are syntax errors? Syntax errors kya hai? The syntax error is an error in the source code of a program. Agar aap program ka code likhte time, source code likhte time koi bhi error karte ho, like aapne kahin par double quotes nahi lagaya ya aapne uske programs ke rules follow nahi kiye, to kaun si error aati hai? Syntax error aati hai. सिंटेक्स एरर्स अकर व्हेन रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड, ओके. आपको पता है जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स फॉलो करने होते हैं. अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखते हो, तो सिंटेक्स एरर आती है, राइट. अब देखो, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ सिंटेक्स एरर का. मैंने प्रिंट फंक्शन लिया, ओके, और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया हेलो, राइट. अब क्या आएगा? मेरी सिंटेक्स एरर आएगी. क्यों? क्योंकि मैंने इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ किया है. और अगर मैं लिखती प्रिंट और विद इन सर्कुलर ब्रैकेट्स अगर मैं लिखती हेलो, तो मेरी एरर आती नहीं आती, ठीक है. तो अगर आप प्रोग्राम का सिंटेक्स सही तरीके से नहीं कर रहे हो, प्रोग्रामिंग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपकी सिंटेक्स एरर आती है, ओके. Next we have logical errors. Sometimes if we don't encounter any error during the compile time and run time, our program does not provide the correct result. Such errors are logical errors. Sometimes क्या होता है, आप अपने program को run करते हो, ठीक है, आपने कोई भी programming code लिखा और आपने उसको run किया, बट आपका जो रिजल्ट है, कोई भी एरर नहीं आई, बट जो आपका रिजल्ट था वो रॉन्ग आया. वो क्यों आया? अब देखो, लॉजिकल एरर्स कौन सी होती है? जो कंपाइल टाइम और रन टाइम पर नहीं आती है. कंपाइल टाइम क्या होता है? जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम होता है, जो आपका सोर्स कोड लिखा होता है, वो आपकी लैंग्वेज से कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, ओके. मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं कंपाइलेशन, राइट. वो आपका इंटरप्रेटर करे या कंपाइलर करे, ठीक है. तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जब कन्वर्जन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब कन्वर्जन होता है, तो वो एक एक वर्ड को, एक एक सिंटेक्स को चेक करता है, राइट, ओके. तो इस टाइम को क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम. अगर यहाँ पे कोई एरर आ रही है, तो कंपाइल टाइम पे शो कर देगा कि यहाँ पे एरर आई है, ठीक है. और रन टाइम क्या है? कंपाइल होने के बाद जब वो एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट आता है, उसको रन टाइम बोलते हैं. तो अगर दोनों टाइम पर, ना तो कंपाइल टाइम में कोई एरर आई, ना रन टाइम में कोई एरर आई, बट हमारा रिजल्ट सही नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? हमने प्रोग्राम का लॉजिक करेक्ट नहीं लिखा है, ओके. तो ऐसी एरर्स कौन सी होती है? लॉजिकल एरर्स. These errors occur because of wrong logic used by the programmer. तो हमने logic नहीं सही लिखा, ठीक है. हमने जो steps लिखे हैं programming में, या कहीं ना कहीं उसके कुछ program के logic में हमने गड़बड़ की है, okay? For instance, use of the variables before its initialization. मान लो हमने कोई variable ले लिया a, right? अब इसको तो हमने कोई value दी नहीं है, but हम इसको print करा रहे हैं या इसका कहीं पर use कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपका
एरर क्रिएट कर देगा. और अनमार्क्ड एंड फॉर अ लूप, आपने कोई भी लूप यूज़ किया ओके एंड आपने उसको एंड नहीं किया, यहाँ पे क्या लॉजिक आप रॉन्ग कर रहे हो. और रॉन्ग पैरामीटर्स पास्ट आर ऑफन हार्डेस्ट टू प्रिवेंट एंड टू लोकेट. अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, आपने फंक्शन में क्या किया, रॉन्ग पैरामीटर्स को पास कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम और रन टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट रिजल्ट आपका जो आएगा वो रॉन्ग आएगा. तो क्यों आप प्रोग्राम का लॉजिक करेक्ट नहीं लिख रहे हो. Sometimes logical errors are treated as subcategory of runtime errors. कई बार इनको सब कैटेगरी कहा जाता है runtime errors का. ओके अब यहाँ पे हम logical error का एक example देखते हैं. मैंने एक program बनाया जिसमें मैंने एक variable लिया num1, उसमें मैं value input कराऊंगी, enter a number. ओके first number ले लिया, फिर num2 ले लिया हमने ओके उसमें इनपुट करा लिया, एंटर अनदर नंबर ओके. यहाँ पे हम सम ले लेते हैं, सम नम वन प्लस नम टू राइट. और फिर आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सम को ये हमारा है एस यू एम सम ओके. इसको हम सेव कर लेंगे और कोई भी नेम दे देते हैं, इसका हम दे देते हैं सी वन ओके. आपने इसका नेम दे दिया, अब इसको रन करेंगे. फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया फोर, सेकंड नंबर दे दिया मैंने टू. मेरा देखो सम क्या आया, 42 आया है. ये क्या करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है राइट. मैंने प्रोग्राम तो पूरा सही लिखा था, फिर सही करेक्ट, ये करेक्ट क्यों नहीं आया. यहाँ पे 4 और 2 तो आपका 6 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 42 आ गया है. यहाँ पे एडिशन की जगह इन दोनों का कॉनकैटेनेशन हो गया. कॉनकैटेनेशन मीन्स दोनों नंबर्स ज्वाइन हो गए हैं ओके. तो ये दोनों नंबर ज्वाइन क्यों हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पे सही नहीं लिखा है. इनपुट फंक्शन हमेशा यूज़र से जो इनपुट लेता है वो एज अ स्ट्रिंग लेता है ओके. तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आया वो भी एज अ स्ट्रिंग आया, सेकंड नंबर आया वो भी एज अ स्ट्रिंग आया. और जब आप स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को ऐड करते हो तो क्या होता है, उनका आपस में ज्वाइनिंग होता है, कॉनकैटेनेशन होता है. तो हमने प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ सही नहीं लिखा था. आपको क्या करना था, इनपुट फंक्शन से पहले इसको इंट फंक्शन के अंदर एनक्लोज करना था, जिससे जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए राइट. अब मैंने यहाँ पे इंट में इसको एनक्लोज कर दिया, तो जो भी आप नंबर इसमें डालेंगे वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में. इसको सेव कर दिया. अब अगर आप रन करते हो, अब मैंने नंबर एंटर, यहाँ पे नंबर एंटर किया 4 एंड 2, आ गया आंसर 6 ठीक है. तो पहले आपने क्या किया था, लॉजिकल एरर की थी ओके. नेक्स्ट वी हैव रन टाइम एरर्स. Errors that occur during the execution of a program are runtime errors. Runtime errors program run करने पर आती है right? ये compile time पे show नहीं होती. और जब आपका program run करता है, जब आपका program execute होता है, runtime errors तब आती है okay? Some runtime errors stop the execution of the program which is then called program crashed or abnormally terminated. Sometimes क्या होता है, runtime errors आपके program को crash कर देती हैं, उसको stop कर देती हैं और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है राइट. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है रन टाइम एरर्स के. रॉन्ग वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अदर देन द रिक्वायर्ड इज इनपुट. आपने इनपुट कराई वैल्यू ओके, लेकिन आपने क्या करा दी, रॉन्ग वैल्यू को इनपुट करा दिया रन टाइम पर. तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी ओके. और ये एरर कौन सी होगी, आपकी रन टाइम डिवीजन बाय ज़ीरो. आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हो ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी रन टाइम एरर आ जाएगी. यूजिंग एन आइडेंटिफायर विच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड. किसी आइडेंटिफायर को यूज़ करना, किसी नेम को यूज़ करना जो आपने पहले डिफाइन नहीं किया है राइट. एक्सेसिंग अ लिस्ट एलिमेंट, डिक्शनरी वैल्यू और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट विच डजंट एग्जिस्ट. आपको किसी लिस्ट एलिमेंट को या डिक्शनरी की वैल्यू को या किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट. ट्राइंग टू एक्सेस अ फाइल विच डजंट एग्जिस्ट. ऐसी कोई फाइल आप एक्सेस कर रहे हो, ओपन करना चाहते हो ओके, जो एग्जिस्ट नहीं करती है. तो यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम्पल्स है रन टाइम एरर के ओके.
अब देखो मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से रन टाइम एरर समझाती हूँ। हमने अभी ये प्रोग्राम बनाया था लॉजिकल एरर के लिए, ओके। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको मैं रन करती हूँ, मैंने इसको रन किया, रन, ओके। अब यहाँ पे मुझसे नंबर वन मांग रहा है, नंबर वन मैंने इसको दे दिया 4, ओके। नंबर टू में मैंने दे दिया यहाँ पे हेलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको रॉन्ग वैल्यू इनपुट कर रही हूँ, रॉन्ग वैल्यू इनपुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, रन टाइम एरर आ जाएगी। अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो देखो एरर आ गई है, ओके। तो ये कब आई है, रन टाइम पे आई है। रन टाइम पे क्यों आई है, क्योंकि मैंने रन टाइम पर एक रॉन्ग वैल्यू को इनपुट किया है, इसलिए मेरी ये एरर आई है, ओके। तो दिस एरर इज योर रन टाइम एरर, ओके। एक एग्जाम्पल और देखते हैं रन टाइम एरर का। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे तो सम लिखा है और यहाँ पे मैं इसका एस बड़ा कर देती हूँ, एस कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। मैंने एस कैपिटल कर दिया। अब देखो ये सम और ये सम दोनों डिफरेंट है, राइट, ओके। तो ये जो मैंने सम लिखा है ये एक डिफरेंट आइडेंटिफायर हो गया, जिसको मैंने कहीं पर भी इनिशलाइज नहीं किया है, राइट, ओके। तो अब अगर मैं अब इसको रन करती हूँ, देखो रन करेंगे हम इसको, इसको ओके सेव कर लिया, देन वी विल रन दिस, ओके। अब देखो नंबर वन एंटर करा रहा है, मैंने नंबर वन 4 एंटर कर दिया, नंबर टू मैंने 2 एंटर कर दिया। अब लेकिन क्या होगा, अभी तो वो चल रहा है, नंबर 4 एंड नंबर 2 मैंने एंटर कर दिया। अब क्या होगा, जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो आपके पास क्या आ गया, एरर आ गई। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, सम इज़ नॉट डिफाइंड, जो मैंने सम आइडेंटिफायर नेम लिया है वो मैंने डिफाइन नहीं किया है कहीं पर भी, राइट। तो दिस इज योर रन टाइम एरर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं करती हूँ इसको, मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया और सम की जगह हम यहाँ पे डिव लिख देते हैं, चलो, और यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे हम डिवीजन लिख देते हैं, डिवीजन, राइट, ओके। नाउ हम इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आप इसको रन कर दो, ओके। फर्स्ट नंबर आपसे पूछा है, फर्स्ट नंबर मैंने ले लिया 10 और सेकंड नंबर मैंने ले लिया 0। तो अब क्या होगा, मेरी यहाँ पे रन टाइम एरर आ जाएगी, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आगे आपकी रन टाइम एरर, ओके। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई एल, और मैंने उसमें एलिमेंट दे दिए 20, 30, 40, ये मैंने लिस्ट एलिमेंट दे दिए। अगर मैं यहाँ पे L 0 को एक्सेस करती हूँ, ठीक है, तो आपका 20 आ गया, ओके। लेकिन अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे 0 पे 20 है, 1 पे 30 है एंड 2 पे आपका क्या है 40, अगर मैं 3 एक्सेस करती हूँ तो 3 इंडेक्स इसमें है ही नहीं, ओके, ना ही वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी एरर आ जाएगी, एरर आ गई, इंडेक्स एरर आ गई। तो ये क्या, आपने रन टाइम पे एरर इसलिए आई है क्योंकि आप उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फाइन। तो ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए रन टाइम एरर के, ओके। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन इज एन इररेगुलर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अकरिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑन विच प्रोग्रामर हैज नो कंट्रोल। एक्सेप्शन वो सिचुएशन है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम आती है और इस सिचुएशन पर प्रोग्रामर का कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो ये किस टाइप की है, ये लाइक अ रन टाइम एरर। समटाइम्स क्या होता है, आप रॉन्ग इनपुट देते हो तो आपका रॉन्ग रिजल्ट आता है या प्रोग्राम हॉल्ट हो जाता है, रुक जाता है, ओके, वर्क नहीं करता। तो इस टाइप की एरर्स को क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू राइट अ कोड दैट ओपन्स अ डेटा फाइल एंड डिस्प्लेस इट्स कंटेंट ऑन द स्क्रीन। आपने एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, ओके, जो क्या करेगा, एक डेटा फाइल को ओपन करेगा और उसका कंटेंट स्क्रीन पर दिखाएगा, राइट। दिस प्रोग्राम्स कोड इज सिंटैक्टिकली करेक्ट एंड लॉजिकली करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है उसका सिंटेक्स भी करेक्ट है, उसका लॉजिक भी सही है, बट व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम द फाइल दैट यू आर ओपनिंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द डिस्क। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तो वो फाइल जो आप ओपन करना चाहते हो वो आपके सिस्टम पर है ही नहीं, ओके, दिस विल कॉज एन एक्सेप्शन। तो ये क्या होगा, एक एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, एक एरर क्रिएट करेगा। सो द प्रोग्राम हैज नो एरर बट एन एक्सेप्शन अकर्ड। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है ये प्रोग्राम में, लेकिन एक एक्सेप्शन अकर हुआ है,
राइट, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें प्रोग्रामर कुछ नहीं कर सकता, जिसमें प्रोग्रामर का कंट्रोल नहीं है, राइट. अ नंबर ऑफ बिल्ट इन एक्सेप्शंस आर डिफाइंड इन द पाइथन लाइब्रेरी. पाइथन लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस दिए गए हैं. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम हमने अभी बनाया था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स को यूजर से एंटर करा रहे हैं, उनको ऐड करा रहे हैं. फाइन, तो हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं. यहाँ पे रन किया, फाइन, आपसे पूछा गया एंटर नंबर 1, मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 4, सेकंड नंबर मैंने दे दिया A12, ठीक है, मैंने A12 दे दिया है. फाइन, तो अब यहाँ पे मेरी एरर आ जाएगी, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10. तो यहाँ पे देखो, मैंने एक जो वैल्यू एंटर की है वो तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो मैंने वैल्यू की है वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे देखो मैंने A12 लिखा है, तो A यहाँ पे क्या स्ट्रिंग है. फाइन, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक्सेप्शन है, वैल्यू एरर. ये कब आता है, इट इज़ रेज्ड व्हेन अ बिल्ट इन ऑपरेशन और फंक्शन रिसीव्स एन आर्ग्यूमेंट विद एन इनअप्रोप्रिएट वैल्यू. जब आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट वैल्यू एंटर कराते हो यूजर से, तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ जाता है, वैल्यू एरर. फाइन, अब नेक्स्ट हम एक्सेप्शन लेते हैं. यहाँ पे मैंने यहाँ किया 2+2, मैंने दो नंबर्स को ऐड कराया, आपका आंसर आ गया 4. फाइन, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2+2. अब यहाँ पे देखो, दो स्ट्रिंग को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करा रही हूँ, तो ये कॉन्केट हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22, ज्वाइन हो गई दोनों. अब लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 2, एक स्ट्रिंग ले लिया, एक नंबर ले लिया. फाइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टाइप एरर आ जाएगा. देखो, टाइप एरर आ गया, कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग. यहाँ पे देखो, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो ये दोनों कॉन्केट नहीं हो सकते, ज्वाइन नहीं हो सकते, तो ये आपका टाइप एरर यहाँ पर आ गया है. फाइन, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं एक्सेप्शन का. यहाँ पे देखो, मैंने प्रोग्राम के अंदर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सम जो है आइडेंटिफायर, जो मेरा नेम है, उसको मैं नेम चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे हमारा सम है और यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल कर दिया. अब डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हो गए हैं. राइट, नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम, रन. राइट, अब मैंने नंबर 1 दिया, नंबर 1 आपने दे दिया 20, ठीक है, सेकेंड नंबर आपने दे दिया 30, राइट. लेकिन जब अब एंटर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे नेम एरर आ गई है. नेम एरर क्यों आ गई है, क्योंकि जो आपने सम आइडेंटिफायर लिया है वो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है. राइट, तो यहाँ पे आप रॉन्ग आइडेंटिफायर नेम ले रहे हो. अगर यहीं पे आप इसको करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको सम कर देती हूँ, राइट, तो ये आपकी जो एक्सेप्शन आया है वो करेक्ट हो जाएगा. फाइन, यहाँ पे देखो, मैं नंबर 3, 7 आपका रिजल्ट आ गया. फाइन, सो दिस इज़ योर नेम एरर. राइट, सेकेंड हम देख लेते हैं. यहाँ पे मैं सम की जगह कर देती हूँ डिवीज़न. ये हमने रन टाइम एरर्स में भी देखे थे. ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं डिव, और इसको हम लिख देंगे डिवीज़न. राइट, नाउ वी विल रन दिस. अब देखो, अगर मैं किसी नंबर को एक नॉर्मल नंबर से डिवाइड करती हूँ, मतलब इंटीजर से, तो आपका रिजल्ट आ गया. बट अगेन अगर मैं इसको क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, इसको अगेन हम रन करते हैं, रन, मैंने लिया नंबर 10 और मैं इसको 0 से डिवाइड कर रही हूँ, आपका 0 डिवीज़न एरर आ गया. राइट, तो आपका 0 डिवीज़न एरर क्या है, एक एक्सेप्शन है. फाइन, ओके, नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, लिस्ट लेते हैं. लिस्ट में मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 20, 30, 40 एंड 50. राइट, अब मुझे एक्सेस करना है लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट, तो मैंने इंडेक्स 1 लिया, आपका सेकेंड एलिमेंट आ गया 30. अब मैं क्या करूँगी, लिस्ट का इंडेक्स, यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड 3 है. 3 इंडेक्स तक वैल्यूज़ हैं आपकी, मैंने 4 कर दिया. ओके, तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि मैं उस इंडेक्स को उस इंडेक्स के आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. आगे आपका इंडेक्स एरर. ओके, तो ये आपका क्या है, एक रन टाइम एक्सेप्शन है. फाइन, ओके, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इंडेक्स एरर आ गई है. अब मैं लेट अस सपोज, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर देती हूँ. मैंने D1 नेम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ठीक है, मैंने 1 पे ले लिया, 1 आपकी की है, 1 पे मैंने ले लिया A, राइट, देन 2 पे आप ले लो B, ओके, देन 3
थ्री पे आपने उसकी वैल्यू ले ली ए बी सी, ओके सी ले लिया, ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट होगी डी वन। डी वन का अगर मुझे ए एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे ले लिया वन, राइट, ए एक्सेस हो गया। अगर मुझे डी वन का बी एक्सेस करना है तो मैंने उसकी की ले ली टू, राइट, हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँ, की एरर यहाँ पे मुझे करनी है प्रोड्यूस, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ फोर, तो फोर की तो मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कौन सी एरर आ जाएगी आपकी यहाँ पर, की एरर आ जाएगी, की एरर आ गई है क्योंकि आपकी की फोर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फाइन, ओके। अब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया इम्पोर्ट मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल आप करना चाहते हो, इम्पोर्ट किया मैंने, इम्पोर्ट मैस, ठीक है, मैस नेम से कोई मॉड्यूल है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और पर मैं इसको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि अगर आप रॉन्ग मॉड्यूल नेम लिखते हो तो क्या होगा, आपका मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैस नेम से कोई भी मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके फाइन, ओके। लेकिन अगर आप करते हो इम्पोर्ट मैथ, राइट, तो इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, तो देखो कोई एरर नहीं आई है क्योंकि मैथ नेम से मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, ओके, तो ये आपकी इम्पोर्ट एरर हो गई है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके एक्सेप्शंस के, ओके ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।